हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हैप्पी हैप्पी गार्डनिंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले देखिए मेरे गार्डन अभी पिटूनियाज और जार्बेरस फ्लावर से कितनी ब्यूटीफुल सजे हुए हैं। तो आप सबको कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरे गार्डन में ब्रह्मा कमल की प्लांट है और उसमें इस साल बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हुए थे, तो वो उसकी वीडियो मैंने आप सबसे शेयर की थी ब्रह्मा कमल की। वो देखकर मैं तो बहुत ही खुश थी और आप लोग भी बहुत ही खुश हुए थे क्योंकि वो वीडियो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किए थे। दो महीने पहले मेरे ब्रह्मा कमल की प्लांट की लीफ को कटिंग करके मैंने नई प्लांट ग्रो की थी। दोस्तों, ब्रह्मा कमल में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो खिलते हैं लेकिन उसके कभी भी सीड्स नहीं बनते हैं, और इस प्लांट की यानी कि ब्रह्मा कमल प्रोपगेशन हम लोग सीड्स के थ्रू नहीं, उसकी लीफ कटिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग हो जाने के बाद ब्रह्मा कमल प्लांट में सीड नहीं बनते। तो चलिए दोस्तों, अब दिखाती हूँ मैं किस तरह से मेरे ब्रह्मा कमल की लीफ से ग्रो होने वाले न्यू प्लांट की रिपोर्ट करती हूँ, वही दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। क्योंकि अब इस कटिंग को सैंड की नहीं मिट्टी की जरूरत है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं वो लोग प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियो आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। ये अब वीडियो को आप सबसे शेयर करें। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने यहाँ पर हाइड करके रखी है मेरे ब्रह्मा कमल की कटिंग्स को। ये देखिए मैं निकाल लेती हूँ, और यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ते हैं इसीलिए देखिए ये प्लांट बहुत ही हेल्दी है। अगर इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ते हैं तो इसकी जो लीव्स है ये बर्न हो जाएगी, इसलिए थोड़ा शेडी एरिया में इसकी कटिंग्स को रखना है। ये देखिए यहाँ पर और भी कई सारे कटिंग्स को मैंने लगाई है, लेकिन ये जो प्लांट है ये है ब्रह्मा कमल की कटिंग से ग्रो होने वाले प्लांट। ये देखिए न्यू लीव्स भी निकल आए हैं, ये भी एक लीफ है और एकदम हेल्दी कटिंग्स है, आप लोग देखकर समझ ही पा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे क्यूबन कप की प्लांट भी हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर नहीं उगाई थी, ये खुद से ही उग गए हैं। ये देखिए इसमें येल्लो कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो इसको मैं रख दूंगी और मैं आप सबको दिखाती हूँ यहाँ पर कितने सारे कटिंग्स हैं। ये देखिए यहाँ पर एक, और इस साइड में ये एक है। मैंने चार पांच कटिंग्स लगाए थे तो सभी कटिंग्स बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं। तो ये देखिए न्यू लीव्स नीचे से निकल रहे हैं और कुछ लीव्स पत्ते से निकल रहे हैं। ये देखिए इसके पीछे भी ये भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। और इस कटिंग्स को मैंने दो महीने पहले लगाई थी, आज ही मैंने इसको बाहर निकाली है, तो दो महीने से थोड़ी शेडी एरिया में ही थे, हल्के धूप इनमें पड़ते थे। तो ये मेरे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम इस प्लांट को लीफ कटिंग से ग्रो की है, तो यही एक्सपीरियंस मैं आप सबसे भी शेयर कर रही हूँ। आप भी जब इसकी प्लांट को लगाइएगा लीफ से तो इसको थोड़ा शेमी शेड एरिया में ही रखिएगा, तो ही देखेंगे आपके ये कटिंग्स बहुत ही बढ़िया चल जाएगी जैसे मेरे हुए हैं। इन दिनों मैं इस कटिंग के साथ कुछ भी नहीं की थी, सिर्फ डेली के डेली मैं पानी देती रही हूँ और कुछ भी नहीं मैंने इस पर अप्लाई की है। तो देखिए कितने बढ़िया न्यू प्लांट ग्रो हुए हैं मेरे ब्रह्मा कमल की मदर प्लांट की लीफ कटिंग से। तो दोस्तों, लीफ से तो न्यू प्लांट ग्रो हो गए हैं, अब इस प्लांट को रिपोर्ट करना है, यानी कि इस प्लांट को दूसरी पॉट में लगाना है।
तो किस तरह की मिट्टी लेंगे आप ब्रह्म कमल के लिए कि आपको बहुत ही जल्द से जल्द इसी कटिंग से ढेरों सारे फ्लावर्स मिलेगी, तो अभी मैं वही बताने वाली हूँ। तो चलिए अब देखती हूँ कि इसकी पॉटिंग को किस तरह से मैं तैयार करती हूँ। तो देखिए, पहले मैंने इस कटिंग्स को सैंड में लगाई थी, सिर्फ सैंड में, और सैंड में लगाने से ही आपके कटिंग्स 100% सक्सेस के साथ ग्रो हो जाएगी। तो मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है कटिंग्स लगाने के समय, सिर्फ सैंड देने से ही काफ़ी है। और यहाँ पर देखिए, और एक मैंने कटिंग्स को लगाई है, ये है जत्रोफा की कटिंग्स, ये भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हुए हैं। ये देखिए, इनमें बर्ड्स भी आए हैं। तो मैं बाद में इसको भी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। अभी मैं इस ब्रह्म कमल की लीफ को दूसरे पॉट में शिफ्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक टूल लाई है और उससे हल्के हाथों से यहाँ पर दबाने से ही ये ऊपर चले आएंगे मेरे हाथों में। तो बहुत ही धीरे धीरे ये काम करना है, नहीं तो इसके जो रूट्स ग्रो हुए हैं वो टूट सकते हैं। इसीलिए ये देखिए, सिर्फ सैंड है, इसीलिए हल्के हाथों से आप इस तरह से अगर उखाड़ भी लेते हैं तो वो आपके हाथों में चली आएगी। ये देखिए, तो चलिए अब मैं इस कटिंग को पानी से धोकर दिखाती हूँ। ये है नॉर्मल पानी और इनमें मैं इस कटिंग को धोकर आप सबको दिखाती हूँ किस तरह से रूट्स निकले हैं इस कटिंग से। आप भी इस तरह से लीफ से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने सारे रूट्स ग्रो हुए हैं। मैं और थोड़ा सा पानी से धो लेती हूँ तो अच्छे से दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास और एक ब्रह्म कमल की प्लांट हो गई है लीफ कटिंग से। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से ब्रह्म कमल की लीफ से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ग्रो होगी। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ईजी है। तो किस तरह से मैंने मदर प्लांट की लीफ कटिंग से ब्रह्म कमल की प्लांट को ग्रो की है, इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है मेरे चैनल पे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से आपको कटिंग के थ्रू प्लांट को ग्रो करना है ब्रह्म कमल की। तो दोस्तों, अब मैं दूसरी पॉट में शिफ्ट करूँगी इस प्लांट को। तो इसके लिए मिट्टी को पहले तैयार कर लेते हैं। अगर मिट्टी अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होगी और उनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही जल्द से जल्द आ जाएगी। तो चलिए, अब ब्रह्म कमल के लिए मैं किस तरह की मिट्टी लेती हूँ वो आप सबको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, ब्रह्म कमल की प्लांट को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, और ली है 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड, और ली है 10% हॉर्न डस्ट और 10% बोन डस्ट। अगर दोस्तों आप इस रेशियो में ब्रह्म कमल के लिए मिट्टी को तैयार करते हैं तो आपको अगले 2-3 महीने के लिए इस प्लांट में कुछ भी खाद वगैरह देना नहीं पड़ेगा। इसी से ही आपके प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रो होगी और प्लांट भी बहुत ही हेल्दी रहेगी और हेल्दी प्लांट में जल्द से जल्द फ्लावरिंग भी होगी, यानी कि एक हेल्दी प्लांट आपको मिल सकते हैं इस तरह की मिट्टी तैयार करने के बाद। तो इस सभी को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं एक टूल के सहारे कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो हाथों से भी इसको मिक्स कर सकते हैं इस तरह से। ब्रह्म कमल की प्लांट को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के पॉट ली है 10 इंच के, आप इससे भी बड़े साइज के पॉट ले सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी के पॉट है तो आप मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होगी वो। तो मेरे पास मिट्टी के पॉट नहीं है इसलिए मैंने प्लास्टिक के पॉट ली है। तो पहले मैं पॉट के नीचे जो होल है उसको बंद कर लूँगी छोटे छोटे पॉट के टुकड़े से, इस तरह से। इस तरह से पॉट के होल को बंद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये करने से मिट्टी वेल ड्रेन रहते हैं और पानी बहुत ही जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाते हैं। अब मैं दोस्तों इसी पॉट के ऊपर से कुछ सैंड दे दूँगी जो बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं। ये सैंड देने से मिट्टी जल्द से जल्द इसकी होल से नहीं निकल जाएगी, यहाँ पर अटक जाएगी। और इस लेयर को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हल्के हाथों से। अब मैं इसके ऊपर से मेरे जो गार्डन के सूखे पत्ते होते हैं वो दे दूंगी। मैं कुछ भी चीज़ें गार्डन के फेंकती नहीं हूँ,
ये देखिए ये पुराने प्लांट के रूट्स है और सूखे पत्ते हैं, वो सब एक साथ मैं दे दूंगी। ये कुछ ही दिनों में कंपोस्ट में बदल जाएगी। तो सभी प्लांट को लगाने के समय मैं इस तरह से नीचे दे देती हूँ। सूखे पत्ते की लेयर तैयार करने के बाद मैं अब इसमें ये जो मिट्टी मैंने तैयार की है वो डाल दूंगी। और दोस्तों मिट्टी को डालते डालते हल्के हाथों से प्रेस करके जाना है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर कोई एयर पॉकेट ना रह जाए, इसीलिए ये देखिए इस तरह से मिट्टी डालने के बाद हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। तो ये करने से ये जो नीचे सूखे पत्ते हैं उसके अंदर मिट्टी घुस जाएगी और ये फिल हो जाएगी, एयर पॉकेट नहीं रहेगी। तो इस तरह से मैंने पॉट को भर ली है, ये देखिए इस तरह से। तो अब दोस्तों मैं कटिंग्स को इस पॉट में लगा दूंगी। तो दोस्तों पहले मैं पॉट में एक होल कर लूंगी, उसके बाद जिस लीफ कटिंग को मैंने उस पॉट में उठाई है उसको इस तरह से लगा दूंगी। मैं एक पॉट में दो प्लांट की लीफ कटिंग को लगाऊंगी। इस तरह से लगाने के बाद प्रेस कर देना है। बस एक ही कारण है कि एयर पॉकेट ना रह जाए इसमें। और यहाँ पर और एक प्लांट लगाऊंगी। तो दोनों कटिंग एक साथ आप एक पॉट में लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो आपको दिक्कत होगी और प्लांट में ग्रो होने के लिए जगह भी कम होने लगी, इसीलिए एक पॉट में दो ही प्लांट ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी के मेरे जो प्लांट है वो मैं बाद में दूसरे पॉट में लगा दूंगी। तो यहाँ से इस कटिंग को मैं ले लूँगी, ये बहुत ही हेल्दी है और इसके न्यू लीव्स भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं। तो मैं धीरे धीरे इसको भी उठा ली है। दोस्तों ये काम बहुत ही धीरे धीरे करना है आपको, नहीं तो इनमें जो न्यू रूट्स है वो टूट सकते हैं। ये देखिए मैंने उठा ली है। मैं आप सबको पानी में धोकर दिखाती हूँ कि किस तरह से न्यू रूट्स ग्रो हुए हैं। मैं नॉर्मल पानी लेकर आती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको भी धो ली है आप सबको दिखाने के लिए कि किस तरह से मेरे गार्डन में 100% सक्सेसफुली ब्रह्मा कमल की प्लांट ग्रो हुए हैं, ये देखिए। तो अब मैं इसको भी इस पॉट में लगा दूंगी। ये देखिए साइड से एक न्यू ब्रांच भी निकल रहे हैं, शायद ये ब्रांच होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन लीव्स तो बहुत ही बढ़िया ग्रो हुए हैं। और देखिए ऊपर और एक न्यू लीव निकल रहे हैं। पत्ते की नोड एरिया से ही इसकी न्यू ग्रोथ होते हैं। तो दोस्तों एक पॉट में मैं दो ही प्लांट लगाऊंगी। मिट्टी को थोड़ा होल्ड कर ली है, अब मैं इसको चारों तरफ से इस तरह से बंद कर दूंगी। थोड़ा प्रेस करते करते, प्रेस कर देने से इसकी रूट्स जो है वो मिट्टी को बहुत ही जल्द से जल्द पकड़ पाएगी और कोई भी एयर पॉकेट भी नहीं रहेगी। एक प्लांट से दूसरे प्लांट को मैंने 3 से 4 इंच दूरी पर लगाई है। तो मैं पूरे पॉट की मिट्टी को हाथों से इस तरह से दबा दूंगी, उसके बाद पानी से भर देना है। कोई भी प्लांट लगाने के बाद पानी से पॉट को भर देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो अब मैं वो काम करूंगी। तो दोस्तों अभी अभी मैंने इसकी लीफ को लगाई है और इसको पानी मैं साइड से दूंगी, नहीं तो इस कटिंग को दिक्कत हो सकती है। और पूरे पॉट को पानी से भर दूंगी जब तक नीचे से पानी निकले ना, यानी कि पॉट के नीचे जो होल है उससे ये पानी जब तक ना निकलेगी तब तक मैं इस पॉट में पानी देती रहूंगी। क्योंकि अभी अभी मैंने जो मिट्टी दी है वो पूरे सूखे थे, तो पानी ज़्यादा देने से वो मिट्टी गीली हो जाएगी और इस प्लांट को रूट को पकड़ने में हेल्प होगी मिट्टी को, इसीलिए पानी से इस पॉट को भर देना है।
और जब तक नीचे से ना निकले तब तक। तो देखिए मैंने पॉट को भर दी है पानी से, और दोस्तों देखिए पानी देते ही ये पानी नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड बने हैं। और अब देखिए मैं आप सबको दिखाती हूँ वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार हुए है या नहीं। आप लोग देखिए पॉट के नीचे से ये पानी किस तरह से टपक रहे हैं। तो इसी से ही समझ में आते हैं कि ये मिट्टी जो तैयार मैंने की है ये एकदम वेल ड्रेन्ड मिट्टी है। तो दोस्तों ब्रह्मा कमल प्लांट के लिए आपको इस तरह की ही सॉइल तैयार करनी है, एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो दोस्तों पानी देने के बाद इस पॉट को मैं इसी जगह पर ही रख दूंगी, क्योंकि अभी तो शाम हो गए हैं, अंधेरा भी हो गए है, और खुले आसमान के नीचे ये प्लांट रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरह से रहेगी। और सुबह के टाइम मैं इसको थोड़े शेडी एरिया में रख दूंगी। अगर आप सुबह को इस प्लांट को लगाते हैं तो आप प्लांट को लगाने के बाद ही इसको शेडी एरिया में रख दीजिए 2-4 दिनों के लिए। उसके बाद आप फिर से गार्डन की जहाँ पर हल्की धूप आते हैं उस जगह पर इस पॉट को रख दीजिए, तो देखेंगे आपके प्लांट बहुत ही जल्द से जल्द ग्रो होना शुरू हो जाएगी। और जब थोड़े बड़े हाइट के हो जाएंगे तब आप इसे थोड़ा सेमी शेड एरिया में ही रख दीजिएगा, तो ही बहुत ही बढ़िया इनमें फ्लावरिंग आ जाएगी जल्द से जल्द। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। रोज़ आप एक छोटा सा हो लेकिन प्लांट को ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। टाटा बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।